सभी भाइयों को नमस्कार, सबका स्वागत करते हैं जी आपके अपने चैनल साहिल डेयरी फार्म पर। दोस्तों, वीडियोज के माध्यम से आप लोगों को कहीं ना कहीं से अच्छा मुर्रा पशुधन दिखाने का प्रयास रहता है, और आज उसी प्रयास को बढ़ाते हुए जो आज की जो हमारी कवरेज है जी, मैं बताना चाहूँगा कन्हैया लाल डेयरी फार्म से। और जैसे कि हम सब जानते हैं, जो कन्हैया लाल डेयरी फार्म के जो ओनर है भाई हितेश, काफ़ी युवा पशुपालक है और काफ़ी अच्छा पशुधन है भाई साहब अपने डेयरी फार्म पर रखते हैं। तो आज की वीडियो में भी आप लोगों को काफ़ी अच्छी जो कि क्वालिटी की जोटी है वो देखने को मिलेगी जी। भाई से इस जोटी की डिटेल्स लें, लेकिन उससे पहले जो भी पशुपालक आपके अपने चैनल पर पहली बार जुड़ा है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ में ही बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि इन फ्यूचर हम जो भी न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। एड्रेस है वो बताना चाहेंगे जी, गांव गाजी गोपालपुर, जिला लगता है जी रेवाड़ी, और हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो मिलवाना चाहेंगे भाई हितेश से और इस जोटी की डिटेल्स लेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, कैसे हो भाई साहब? बहुत बढ़िया भाई साहब। और आज की वीडियो में एक ही जोटी है भाई? एक ही जोटी, तो इसकी डिटेल्स बता दीजिए, कौन से लैक्टेशन में है? दूसरी बार बच्चा दिया भाई साहब। दूसरे लैक्टेशन की जोटी है, और आज कितने दिन की ब्याई हुई है? कल बच्चा दिया था भाई साहब। कल जो कि बच्चा है इसने दिया है जी, दूसरे लैक्टेशन की जोटी। बात करें एक कॉम्बैक साइज से, जो ऊपर जो साइज आप इस जोटी का देख सकते हैं, लेंथ विरले किसी किसी पशुधन में ऐसी लेंथ वो देखने को मिलेगी जी। और बात करें जो पीठ पुट्ठा, काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे जो पीठ पुट्ठा है वो देखने को मिला जी। ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी पीठ पुट्ठेगी। और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, जो अडर की जो क्वालिटी है जी, कल जो कि इसने बच्चे को जन्म दिया जी, तो भाई साहब खाली है भाई साहब, खीस से लगभग जो कि भाई साहब इसको खाली है वो बता रहे हैं। थनों में स्पेस काफ़ी अच्छा है, आगे से भी आप लोगों को एक बार कवर करके है दिखाना चाहेंगे जी। ये देख सकते हैं थनों में स्पेस काफ़ी अच्छा। नीचे की कैसी है भाई? बिल्कुल साफ दार। अच्छा जी, नीचे की काफ़ी साफ सुथरी है वो भाई साहब बता रहे हैं। तो भाई साहब जानना चाहेंगे फर्स्ट लैक्टेशन में क्या कुछ दूध की रिपोर्ट रही है इसकी? 14-15 किलो दूध जो कि फर्स्ट लैक्टेशन में इस जोटी ने दिया हुआ है। और साथ में क्या है? फीमेल काफ जेड ब्लैक। साथ में जो फीमेल काफ आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल जेड ब्लैक, और नीचे जो सूंड आप यहाँ पे देख सकते हैं जो दर्शाता है कि बच्चे ने जो कि हाल फिलहाल में ही जन्म हो लिया, बिल्कुल जेड ब्लैक टेल के साथ। तो जोटी को एक बार खोल के चला के दिखा दीजिए, व्यक्तित्व भी पशुपालक भाइयों को जरूर दिखाना चाहेंगे जी। हाइट है जोटी की अच्छी, सिंगों की जो बनावट है शरीर पे जमता हुआ, और गर्दन की लंबाई आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं जी काफ़ी अच्छी है। ये देख सकते हैं नहलाई नहीं है, और क्योंकि ताज़ा ब्याई हुई है, मौसम भी काफ़ी जो कि ख़राब है, बिल्कुल ठंडा जो कि सर्दी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, तो इस कारण से पशुधन अच्छी तरह से जो कि सेट भी नहीं हो पाता। ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है चाल डाल में, बिल्कुल भाई साहब खीस से खाली होने के बाद, और जो वापसी का जो बराव भी जो जोटी का आ रहा है काफ़ी अच्छा। और फर्स्ट लैक्टेशन में जो जोटी ने दूध निकाल रखा जी, 14-15 किलो दूध, काफ़ी अच्छे जो कि दूध की हम मान सकते हैं जोटी रहेगी। तो भाई साहब आपके हिसाब से कितना दूध दे देगी कम से कम? 17 किलो आराम से निकालेगी। 17 किलो दूध का कहना है कि भाई साहब आराम से जो कि जोटी है कवर करेगी। और सबसे अच्छी बात, साथ में जो फीमेल काफ है, मोस्टली भैंसों के नीचे जो हमें ज़्यादातर जो कि मेल काफ है वो देखने को मिलते हैं, और जो नीचे जो फीमेल काफ है वो भी काफ़ी अच्छी हेल्दी, और हम बात करें बिल्कुल जेड ब्लैक टेल के साथ काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, साथ में फीमेल काफ अच्छा बन के आएगी। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये देख सकते हैं बिल्कुल टाइट अडर की जो जोटी है वो रहेगी, और टाइट अडर की जो भैंसें हैं जी दूध निकालने में ज़्यादा सक्षम होती है, और क्वालिटी काफ़ी अच्छी, चुवाई की बता रहे हैं काफ़ी साफ सुथरी। तो भाई साहब रेट क्या कुछ रखा है? 1,10,000 रुपये फिक्स रेट है। 1,10,000 रुपये भाई साहब ने इसकी कॉस्ट है वो बिल्कुल फिक्स रखी है। बाकी कितने दूध से उठती बाकी आप भाई से जो कि फ़ोन भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी दूध लाइन की जो जोटी भाई साहब ने दिखाई, पीठ पुट्ठा काफ़ी अच्छा, जो स्पेशली काफ़ी पशुपालक भाई हैं जो घर के लिए लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी जी। और दूध की भी काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी, साथ में सबसे अच्छी बात फीमेल काफ है। और कॉन्टैक्ट नंबर भी भाई का जो कि रेगुलर स्क्रीन पर है, 88-140-31-204 भाई हितेश का जो कि स्क्रीन पे कांटेक्ट नंबर है वो चल रहा है। कॉस्ट जोटी का जो फिक्स रेट रखा है 1,10,000 रुपये फिक्स रेट रखा जी। एक बार जो वेन आप यहाँ पे देख सकते हैं अंडर में, जो कहीं ना कहीं एक साफ साफ दुधारू पशुधन को ही प्रमाणित करती, काफ़ी मोटी मोटी जो वेन और थनों में स्पेस काफ़ी अच्छा है। पाउसने के बाद भाई थन कैसा रखती है? ये देख सकते हैं नीचे की टॉप के भाई साहब, नीचे की काफ़ी अच्छी बता रहे हैं जी। ठीक है जी, तो भाई के पास फिलहाल बिक्री के लिए उपलब्ध है, और आशा करेंगे आज की जो हमारी कवरेज भाई हितेश के डेयरी फार्म से आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी।
वीडियो अच्छी लगे तो जी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जी। फिर मिलेंगे किसी किसान के घर या फिर व्यापारी वर्ग के भाई के पास। तब तक सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम।